आज पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा चल रही है। समान नागरिक संहिता पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जनता को जागरूक करने के लिए राष्ट्र चेतना समिति ने गुरुग्राम में यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता पर सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के युवा महासचिव मनीष यादव व मुख्य वक्ता के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के वकील अध्यक्ष पहुंचे। समान नागरिक संहिता और सामाजिक मामले से संबंधित कानून होता है, वहीं सभी पंथ के लोग के लिए विवाह, तलाक, विरासत और बच्चा गोद लेने आदि समान रूप से लागू होता है। उन्होंने कहा कि लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा, सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। इस विषय को लेकर जो ये गोष्ठी का बहुत चेंजमेंट आई, जब संविधान में हम कोई अच्छाई के लिए चेंजमेंट करते हैं तो दूसरी पार्टी हमला क्यों करना शुरू करती है? देखिए, हमारा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, और जब भी कोई बात, चाहे वो परिवार में हो या देश में, उसका मत अलग हो सकता है लेकिन उसका उद्देश्य एक होना चाहिए। तो इसमें भी हमारे मत अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उद्देश्य देश का भला है, देश का हित है, देश की एकता अखंडता है। तो हमें इस देश के कानून का समर्थन करना चाहिए और आने वाले भविष्य को उज्ज्वल करना चाहिए। इस देश की माता और बहनों को सम्मान देने के लिए जो कानून देश के हित में हो उसको लाना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार कर जल्द से जल्द ये कानून आए, इसका ये लक्ष्य लेकर काम करना चाहिए। सर, यूसीसी के लिए आपकी अपनी तरफ से भी क्या पर्सनली कुछ ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिससे कि लोगों को जागरूकता बढ़े? देखिए, ये एक सामाजिक दृष्टि से किया गया कार्यक्रम है जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील और भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट, उन्होंने आकर ये विषय रखा अश्विनी जी। वो इस कार्यक्रम के पीछे केवल एकमात्र उद्देश्य है कि समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, युवा हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, हमारे सीनियर सिटीजन हैं, क्योंकि उनका दिन भर लोगों से मिलना जुलना रहता है, जब वो इस उद्देश्य की प्रक्रिया अलग अलग चल रही है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में तो जो कोर्ट होता है वो फैमिली कोर्ट के जरिए होता है, लेकिन मुस्लिम्स बेटियों को आज भी तलाके हसन तलाके का न्याय मिल रहा है। तो जब ग्राउंड साफ डिवोर्स, पुसीरा डिवोर्स एक समान हो जाएगा, इसका सबसे ज्यादा जो फायदा मिलना है इनफैक्ट मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। कूलिंग पीरियड एक समान हो जाएगा, कूलिंग का पीरियड मतलब दोनों तैयार हो गए अपने तलाक लेने के लिए, तो उसमें कितना गैप करना, 3 महीने करना, 6 महीने करना है, इसका जो फायदा मिलेगा हमारी क्रिश्चियन बेटियों को मिलेगा, क्योंकि अभी वहाँ पर जो कूलिंग पीरियड है 2 साल का चल रहा है, जबकि हिंदू में कूलिंग पीरियड मात्र 6 महीने का है। बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको मिलेगा, वसीयत का एक समान अधिकार सबको हो जाएगा, विरासत का एक समान अधिकार सबको हो जाएगा, भरण पोषण का एक समान अधिकार सबको हो जाएगा, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा। तो बाकी सब पे लागू, लेकिन मुस्लिम बेटियों पे लागू नहीं हो रहा, इसलिए सबसे ज़्यादा परेशान हुई है। इसी तरीके से माता पिता की देखभाल का अधिकार भी एक हो जाएगा, और हमने अपनी तरफ से सजेस्ट किया है कि इसमें हम दो, हमारे दो भी जोड़ दिया जाए, जिससे कि ये अपने आप में कंप्लीट हो जाए, फिर अलग से पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ नहीं बनाना पड़ेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, इससे जो सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा यूसीसी, वो मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, उसके बाद क्रिश्चियन बेटियों को मिलेगा। पारसी बेटियों में भी भेदभाव है, उनको भी प्रॉपर्टी में इक्वल राइट नहीं है, तो पारसी बेटियों को मिलेगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जो हिंदू लॉ से गवर्न होते हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, केवल इतना आएगा कि अभी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में जो लड़की की शादी की उम्र 18 है और लड़की की 21 है, वो दोनों एक समान हो जाएगा। तो या तो लड़के का 18 हो जाएगा या लड़की की 21 हो जाएगा, जो भी होगा उद्देश्य में एक समान हो जाएगा। तो थोड़ा